आप देख रहे हैं जैना न्यूज। मैं इस समय बाराबंकी के गन्ना दफ्तर में उपस्थित हूं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राधेलाल राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेलाल जी से हम बात करना चाहते हैं कि मासिक बैठक में आपने किन मुद्दे को लेकर बैठक की। आप राधेलाल जी बताइए, मासिक बैठक में किस मुद्दे को लेकर आप बैठे हुए हैं? आज हम लोगों की बैठक, जैसे कि किसान धान से बहुत ही ज्यादा परेशान है, प्रशासन की धांधली अगर पकड़ी जाए धान तौलाने में, अगर कोई किसान नेता आवाज उठाए तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाए। पुलिस उत्पीड़न हद से ज्यादा बढ़ गया, अगर कोई पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाए तो उसके नाम मुकदमा लिख दिया जाता है। इस वजह से कि ये लोग दब जाए, मगर ये कतई हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। कल जैसे कि देवा थाना के एसओ या इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा जी, वो इतना बड़ा घुसखोर इंस्पेक्टर है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कल हम लोग थाने पर धरना लगाए, जिला प्रशासन को सबको अवगत कराए। इस बातों से हमको ये लगता है कि वो रिश्वत लेकर हर कहीं पहुंचा। कल तो कुछ आश्वासन उन्होंने दिया था, कल आश्वासन उन्होंने दिया था कि एक हफ्ते में तुम्हारी मांग पूरी, कार्रवाई पूरी की जाए। क्यों नहीं उसको हम बार बार कह रहे हैं, मेरे सामने बैठाया जाए। अगर वो तुम्हारा इंस्पेक्टर पाक साफ है तो मंदिर चले, मस्जिद चले, माननीय SP महोदय को हम आपके माध्यम पर जा सकते हैं, और DGP महोदय को, IG जोन को, मंडल आयुक्त को, योगी जी को, मोदी जी को, कि तुम्हारी राज्य में क्या मैं न्याय मांगने जाऊँ, तुम किसान को लाठियां मिले, किसान के ऊपर मुकदमा लिखे जाए, क्या लोकतंत्र में रहकर। सुनने में आया है कल आपने वहाँ थाना घिराव किया था, उसमें आपने आपके ऊपर कुछ कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा उन्होंने ठोका लगा दिया है। बस न्याय की गुहार लगाए, सही बात उठाए। ऐसे इतने बड़े बहादुर हैं, इतने बड़े मुखिया जिले के हैं, कुछ नहीं कर पाए। हमको समेत हमारे किसान यूनियन के लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया। तो किस बेस पे मुकदमा लगाया उन्होंने भाई? यही तो बात समझ नहीं आ रही। ये एक शब्द नहीं पूछे, इतना बड़ा रुश्वतखोर इंस्पेक्टर हमने तैनात कर रखा है, और इस योगी राज में जो रुश्वत नाम की इतनी बड़ी घृणा चल रही है, तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, एक भी अधिकारी शब्द नहीं पूछे। और कल आश्वासन का धरना समाप्त हो गया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जब हम लोगों को पता चला मुकदमा लिख दिया गया है, और इस इंस्पेक्टर ने किसी के जरिए कहवाया, मेरे पास सूचना आई कि ताकत चाहे जितनी किसान यूनियन के लिए कोई भी लोग लगा ले, माननीय DC दिनेश शर्मा का मैं रिश्तेदार हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आज हम गन्ना संस्थान में मेरी मासिक बैठक थी, इस बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे, अमरण अनशन, भूख हड़ताल सब करेंगे। अगर यहाँ नहीं सुनी जाए चली जाएगी, तो 5 जनवरी को मैं 5,000 आदमियों के साथ विधानसभा के सामने धरना बैठ जाएंगे। इसका निर्णय इस इंस्पेक्टर से अधिकारी हमको न्याय दें, या तो लिस्ट बोर्ड थाने में लगाएं कि इतने काम का इतना पैसा चाहिए। और ये एक बात ध्यान कर लें कि मुकदमा लिखकर किसान की आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। हम लोग कोई चोर डकैत गुंडा बदमाश नहीं है कि जो मुकदमे डर जाएंगे। और ये जिद हो चुकी है किसान संगठनों की, यहाँ से लेके दिल्ली तक, कि गलत किसान बहुत दिन बर्दाश्त किया, अब गलत किसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अब जो काम किसान के ऊपर लागू था, वो काम अब ऊंचे स्तर के अधिकारी अपने निचले कर्मचारियों के ऊपर करें। भ्रष्ट करने वाले कर्मचारियों पर मुकदमा लिखे, उनको जेल भेजें, किसानों को न्याय दें। तब तक के हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। आज 25 तारीख को मासिक बैठक, सोमवार से हम लोग इसी परिसर में अगर न्याय नहीं मिले गन्ना दफ्तर में बैठ जाएंगे, और जो 4-4, 10 दिन इच्छा होगी उसमें चलाएंगे, नहीं 5 तारीख को पूरी घोषणा करके अपने अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में सारे जिला अध्यक्षों को घोषणा करेंगे, बुलाएंगे, बैठक करेंगे, और विधानसभा 5 तारीख का घेराव किया जाएगा, वहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मिलेंगे हम, अगर वो भी हमारी नहीं सुनेंगे तो हम लोग सीधे दिल्ली जंतर मंतर पे इसकी गुहार लगाएंगे। अब लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी, किसी भी पैमाने पर गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और साथ साथ एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि माननीय DM साहब, आप जिले के माई बाप हैं, हमारा अधिकारी कोई दूसरा नहीं है, हमारे भी DM आप हैं। एक एक दो दो महीने से किसान की टाली, जो आदेश आपके ADM ने, आपके ADM ने, आपके डिप्टी आर्मो ने, SDM ने आदेश किया है, क्यों नहीं तौली जा रहे, इसका क्या कारण है? इस माई लोग नहीं सुन रहे हैं, इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए काम कराइए, नहीं तो ये मान के चलिए अब जनपद में हम देख रहे हैं, अगर कोई मेरी नहीं सुनेगा तो हम लोग धान नदी टालिया समेत ले जाएंगे, और योगी जी को दान में वहाँ दे देंगे। 70 साल से किसान घाटा खाते चला आ रहा है,
तो अब क्या है, अब सोच रहे हैं एक फसल माननीय योगी जी को दान में दे दिया जाए। कोई गुस्सा गर्मी की बात नहीं है कि लीजिए आप निःशुल्क गल्ला बांटे हैं, अब यहाँ को कोई लेने वाला नहीं, इतना इतरा चुके हैं, बाद में फिर हम लोगों को वापसी कर देना, उसकी कोई हेडेक नहीं है, ना कोई चिंता है। हम कम से कम 500 ट्रैक्टर टाली जनपद से ले जाएंगे, जो लिखा पड़ी यहाँ एलआईयू को देंगे कि इस गाड़ी नंबर से इतने बोरी धान, इसमें इतने क्विंटल, सब अवगत कराएंगे डीएम साहब को, और वहाँ धान में हम लोग डालेंगे। जब तक के हमको न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। हम प्रदेश उपाध्यक्ष राधेलाल जी से बात कर राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेलाल जी से हमने बात की, और उन्होंने शासन प्रशासन को भवन निंदा करते हुए, मैं कुलदीप सिंह जनता न्यूज चैनल 12 बजे